हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका पूरा परिवार जो है वो भी ठीक ठाक होगा। दोस्तों, तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, वो है हमारी ये मकई यहाँ पर लगाई गई है जो खेतों में। हिंदी में मकई बोलते हैं और पंजाबी में इसको मक्की बोलते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, विनती है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो मक्की यहाँ पर लगाई गई है, ये काफ़ी ताकतवर होती है दोस्तों, और इसकी जब पक जाती है ये, और इसका भी अंकुर निकला है, अंकुर फूट रहा है अभी। हालांकि इसके अंदर दाना भरने में काफ़ी समय लग जाएगा, तो इसको फिर जो है भून करके खाया जाता है, जिसे हम भुट्टा भी बोलते हैं दोस्तों। और इसके जो आटे का उपयोग होता है, वो सर्दियों में रोटी बनाई जाती है, मक्की की रोटी ते सरसों का साग, वाह की स्वाद। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको और नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो ये मक्की जो है बहुत ही अच्छी हमारे किसान भाइयों ने यहाँ पर लगाई है, और इसकी रोटी जैसे आप जानते ही हैं दोस्तों कि सर्दियों में मक्की की रोटी ते सरसों का साग जो बनती है ना, वाह की स्वाद। लोगों गलियाँ तक चट जाते हैं, तो मक्खन और देसी घी वाला रोटी खाते हैं साग बिच पा के, जो सरों का साग बनता है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दूर तक इस मक्की को जो है लगाया गया है, और इसके अंदर बाजरा भी है दोस्तों। आपने सुना होगा कि बाजरे की रोटी शायद आप लोगों ने कभी खाई होगी, और बाजरे की रोटी भी जो है दोस्तों काफ़ी ताकतवर होती है, और उसकी खिचड़ी भी बनती है बाजरे की। आप सभी लोग जानते होंगे, अगर आप गाँव में रहते हैं, शहरों में कुछ लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं कि बाजरे की खिचड़ी क्या होती है और मक्की की रोटी क्या होती है, और सरसों के साग के बारे में तो सभी जानते ही हैं दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर जो है बाजरा लगाया गया है। ये देखिए, ये बाजरा भी काफ़ी ताकतवर होता है दोस्तों, जैसे मक्की ताकतवर होती है। तो ये काफ़ी दूर तक हमारे किसान भाइयों ने लगाई है, और मैं तारीफ़ करता हूँ इसकी, और दूर तक इसकी जो है फसल उगी हुई है दोस्तों। उधर मैं जा नहीं सकता क्योंकि रास्ता नहीं है बीच में, मैं आपकी बीच को आपको बीच की भी वीडियो बना करके दिखा देता दोस्तों। तो ये देखिए, यहाँ से ये रास्ता बीच में जा रहा है, लेकिन उधर मैं जा नहीं सकता क्योंकि ऐसे किसी के खेतों में जाना दोस्तों ठीक नहीं, यहाँ पर मालिक भी नहीं है। हालांकि ये जो मालिक हैं हमारे जान पहचान के हैं, इसलिए मैं वीडियो बनाने लग गया, नहीं तो दोस्तों ऐसे वीडियो बनानी ठीक नहीं, पूछ करके बनानी चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, ये फसल अब बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पनपती हुई, और मकई के बीज, ये जो बाजरा लगाया गया है दोस्तों, काबिले तारीफ़, दोनों ही शक्ति देते हैं ये, मक्की और बाजरा खाने में स्वादिष्ट लगते हैं, और मैं तो फेवरेट पसंद करता हूँ दोस्तों, और मेरे फेवरेट हैं ये दोनों व्यंजन। मैं फेवरेट पसंद करता हूँ, मेरे फेवरेट हैं ये दोनों व्यंजन, मक्की की रोटी, सरसों का साग, और बाजरे की खिचड़ी और बाजरे की रोटी दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, हालाँकि खाता रहता हूँ मैं ये चीज़ें, लेकिन अभी कई सालों से दोस्तों मैंने ये चीज़ें जो हैं चख करके नहीं देखी। तो इस साल देखता हूँ कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझे ये चीज़ें खिलाते हैं या फिर नहीं, और अभी भी मुझे लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि मेरी पत्नी व्यस्त रहती है कार्यों में, और मेरे बच्चे थोड़े शरारती हैं, इसलिए वो भी अपने शरारत के कार्यों में जो है व्यस्त रहते हैं। तो ये दूर तक जो है फसल पनपती हुई बहुत ही अच्छी लग रही है, और हमारे किसान भाइयों ने काफ़ी मेहनत से इसको जो है लगाया है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे नए नए टॉपिक के ऊपर दोस्तों मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूं, और आप सभी का जो है मन बहलाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का जो है ख्याल रखिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।